दरअसल पेरेंट कोर्ट के एक हॉल के अंदर फर्स्ट एल्डर बेटी थी सामने और उसके साथ में एक बूढ़ा और बैठा हुआ था जो देखने से ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट एल्डर थी ना उसके हाथ के अंदर कोई जेट टोकन था ग्रीन कलर का दिख रहा था और वह उसको अपने हाथ के अंदर रख कर पता नहीं उसके अंदर क्या देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो प्रमुख वहां पर बैठा हुआ था ना वो सकता है, देखिए फर्स्ट एल्डर खुशी यहां पर अब यहां पर बहुत बुरी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी वजह से हम यहां पर ये नहीं कर सकते कि केवल आपके चलते हुए हम पूरे मार्सटेचर कॉन्टिनेंट को आपके हाथ के अंदर छोड़ दे। अगर आपके हाथ के अंदर छोड़ दिया ना तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आपको यहाँ पर सब कुछ ध्यान से देखना होगा और जल्दी काम करिए, हमारे पास में इतना ज्यादा समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर खुशी कहती है, एल्डर एल्डर आप भी क्या बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर तो रहे हैं ना, आखिरकार हमने यहाँ पर क्या कर दिया और हम उतनी जल्दी कर रहे हैं जितनी जल्दी हमसे हो पा रहा है। वैसे भी यहाँ पर वो रेणु मान नहीं रही है, अगर उन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपनी प्योर बॉडी को एक्टिवेट नहीं किया ना तो उसके बारे में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जल्द ही वह ऐसा कुछ कर देगी क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर स्वर्ग की वह सील उसके अंदर लगा दी है जिसके बाद में वह जल्द ही अपनी प्योर बॉडी को एक्टिवेट कर लेगी। उसके बाद सुनने के बाद में जो वहाँ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था ना वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है जल्दी करो, हमारे मास्टर टीचर पवेलियन इसके लिए ज्यादा देर नहीं कर सकता, आखिरकार इंसानियत अब हमारे हाथों के अंदर ही है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा उधर उधर हो गया ना तो उसके बाद में हमारे ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है, हमारी इंसानियत यहाँ पर हम बचा नहीं पाएंगे। इसके साथ में वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है हम जल्द ही वापस मिलेंगे। उसके बाद में वो बस उस गेट के पास पहुँचता ही है कि अचानक से बाहर कोई आया है, बाहर ऐसा कह रहे हैं कि कोई मास्टर इंद्रसेन यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर जल्दी से एक आवाज सुनाई देती है, उसके साथ में यहाँ पर दोनों चौंक जाते हैं, क्या मास्टर इंद्रसेन, आखिरकार मास्टर इंद्रसेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो खुशी और साथ में खड़ा हुआ वह बुजुर्ग था उसकी आंखें दोनों की तन जाती है, उसके साथ में वह अपने सामने देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, तो ठीक है जल्दी से अंदर बुला लो। उसके बाद में वह गार्ड वहां से चला जाता है। अगले पल एक इंसान यहाँ पर जल्दी से हवा के अंदर उड़ता हुआ सीधा अंदर की तरफ आ रहा था और जल्द ही उनके सामने आकर वह खड़ा हो जाता है। नहीं नहीं तुम कोई भी इंद्रसेन नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो, तुम यहाँ पर अपने वेश को बदलकर कैसे आ सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने जल्दी से अपने सामने खड़े हुए उस पेन यानी कि हमारे इंद्रसेन जिसका रूप बना रखा था उससे कहा, उससे आगे कहती है, चाहे से मैं उनसे ना मिली हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं उनकी होली के बारे में जानती हूँ कि यहाँ पर वो कैसे दिखते हैं, उनके बाल कैसे हैं और उनका कद वद कैसा है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में जो हमारा ओवर एक्टर विपिन था वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है और कहता है, क्या कह रही हो, क्या अब यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाऊं, क्या यहाँ पर मैं अपना रूप नहीं चेंज कर सकता, मैं यहाँ पर कहीं पे भी चला जाऊं लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं हमेशा अपना रूप चेंज कर रखता हूँ, कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने उसी रूप के अंदर ज्यादा देर समय बनाकर रख सकूं। वही उसकी आवाज सुनने के बाद में वहाँ पर जो एल्डर था ना वो वापस से पीछे की तरफ आ जाता है और वहाँ पर आकर खड़े होते हुए कहता है, कौन हो तो आखिरकार तुम यहाँ पर सरासर झूठ पे झूठ क्यों फंसे जा रहे हो, मुझे पता है मैं जानता हूँ यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन को, अरे आखिरकार वो भी मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से ही है, हम दोनों अच्छे से दोस्त भी हैं, हम दोनों के अंदर अच्छी खासी बातें होती भी रहती है, तो तुम यहाँ पर इस तरह से फेकोलॉजी क्यों करने पे लगे हुए हो, क्या तुम हमें यहाँ पर पागल वागल समझते हो जो तुम यहीं पे ही बस बड़ी बड़ी फेंकने के अंदर लगे हुए हो। जैसे वहाँ पर उस एल्डर ने वो बात कही उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था ना वो घबरा जाता है और उसके साथ में वो एल्डर उससे कहता है, मेरा नाम आनंद है, मैं एक मास्टर टीचर हूँ मास्टर टीचर पवेलियन से और वहाँ का एक बुजुर्ग भी हूँ, मेरी यहाँ पर इंद्रसेन के साथ में हमेशा बातचीत होती रहती है और तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर किसी तरह की एनर्जी हो जिसके साथ में मुझे पता चल सके। वही विपिन तो अपने अलग ही टेंशन के अंदर चला जाता है, बात कुछ ऐसी थी कि अब उसको वहाँ पर डर लगने लगा था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अरे आखिरकार इस बंदे को आज ही यहाँ पर आना था, क्या वास्तव में यहाँ पर ये कोई स्वर्ग मेरे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है, अरे मैं तो यहाँ पर केवल अपनी स्टूडेंट को यहाँ से बचाकर ले जाना चाहता हूँ लेकिन अब इससे क्या करूं। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो इंद्रसेन था जल्दी से अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाता है चक, और अगले पल यहाँ पर उसकी उंगलियों से कुछ तलवार क्योंकि वार सीधे यहाँ पर आनंद की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये देखते हुए कि सामने
सामने वाले की असलियत सामने आने लगी थी, तो वहीं वो बंदा उसके ऊपर अटैक करने लगा था। तो आनंद भी अपने हाथों को अजय कर लेता है और उसे कहता है, क्या बदतमीजी है ये, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर बिना फालतू अटैक कैसे कर दिया, अब तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो तलवार का वार उसकी हथेली के साथ में जाकर टकरा पाता ना, उससे पहले वो बीच रास्ते के अंदर ही वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अब वह आनंद सीधा हमारे इंद्रसेन की तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसको अचानक से टेलीपैथिक संदेश आता है। आनंद आनंद आनंद, क्या बात है, तुम्हारी जो मैंग एक्यूपॉइंट है मुझे लगता है कि वो एक ही जगह पर जम सी गई है। ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से तुम अपना लेवल अप करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो। और हाँ, वो तुम्हारे राक्षस में जो तुम्हारे ऊपर वो चोट वोट लगी थी ना, उसके बाद में अभी तक भी तुम्हारी वह सभी चोटें ठीक नहीं हो पा रही है। वहीं जहाँ पर जो विपिन था उसने वह शब्द कहे ना, उसके साथ में यहाँ पर जो आनंद था उसकी वहीं पर सिटी पिटी गुल हो जाती है। ये क्या, आखिरकार इसको कैसे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मास्टर टीचर अपने राज किसी को भी नहीं बता सकता था। आखिरकार 9-स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में तो कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था ना, वो उसकी उस कार्ड को देख लेता है। तो वो उससे कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अभी कुछ समय पहले अपनी सफलता हासिल की है, उसकी वजह से यहाँ पर मेरा एटीट्यूड, मेरी बोलने की और मेरी यहाँ पर एनर्जी सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत चेंज तो लगूंगा ही ना। क्या क्या कह रहे हो, क्या वास्तव में तुमने यहाँ पर अपनी सफलता हासिल कर ली? लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद उस बात को सुनने के बाद पूरी तरह चौंक चुका था, क्योंकि मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी यहाँ पर आज तक संत स्टेज 9 के ऊपर नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि यहाँ पर केवल मास्टर शेख थे जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाने में कामयाब हो पाए थे। उनके बाद में क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके साथ में यहाँ पर उसके सामने खड़ा हुआ इंद्रसेन यानी जो कुछ भी है वो यहाँ पर अपना लेवल अप कर सकता था? वही जहाँ पर आनंद इसके बारे में सोच रहा था, वही हमारा विपिन उससे कहता है, वेल, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी मैंने तुम्हारे अंदर की जो गड़बड़ी और तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आए हैं, तुम्हारी साधना अपनी जगह पर रुक गई है ना, उसका मैंने यहाँ पर तोड़ निकाल लिया है। उसका तोड़ यह है कि तुम आराम से किसी भी शुद्ध एनर्जी का यूज करते हुए अपने उन सभी मैन इक्विपमेंट को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो, जिसके साथ में तुम अपनी सफलता भी हासिल कर सकते हो। यहाँ पर विपिन अभी उसकी सारी चीजों के बारे में जान चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर यहाँ पर कोई और चीज होती ना, तो उसके बाद में शायद ही वो वहाँ पर उसकी साधना को लेकर कोई कुछ कर पाता। लेकिन अब यहाँ पर वह समझ चुका था कि सामने वाले का केवल अपने साधना को अप करवा कर ही वो उसके ऊपर अपना महत्व दिखा सकता था। तो उसके साथ में यहाँ पर आनंद चौंक जाता है, क्या कह रहे हो, क्या वास्तव में तुमने यहाँ पर मेरे साधना लेवल को अनलॉक करने के बारे में सोच लिया, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो भी सकता है ना, तो उसके बाद में कैसे यहाँ पर मैं साफ एनर्जी का यहाँ पर इंतजाम करूंगा, क्योंकि साफ एनर्जी किसी के पास में भी आसानी से नहीं मिल सकती। अरे अरे, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है, जब मैंने यहाँ पर सफलता हासिल की तो उसके बाद में मैंने भी अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शुद्ध बना लिया था। हालांकि अभी तक ये उस लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इसका यूज कर सकते हो। उसके साथ में विपिन ने अपनी एनर्जी की छोटी सी गोली निकाली और उससे कहा, ठीक है, एक बार इसको चेक करो। उसके बाद में यहाँ पर जो आनंद था ना, उस गोली को पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के बाद में उसको वहाँ पर चेक करने लगता है। लेकिन जैसे उसको चेक करता है ना, तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर कुछ सनसनी सी चलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा का भाव उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तेज हो गया हो। उसके साथ में वह उसके अंदर जो शुद्धता थी ना, उसको देख पा रहा था। क्या था, तुम वास्तव में यहाँ पर इंद्रसेन हो? यहाँ पर अब आनंद को भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होने से लगी थी। हालांकि यहाँ पर वो जानता था कि मास्टर इंद्रसेन वो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वो मान ही नहीं सकता था। शायद यहाँ पर कोई दूसरा बंदा होगा जो उनसे पावरफुल हो और यहाँ पर अभी इस समय उसके पास में आया हो कोई मदद मांगने, वरना ऐसे भी कोई बंदा नहीं आ सकता था। तो वहीं पर ही अब जो विपिन था वह अपने उस जादू को चलते हुए देखकर उससे कहता है, हाँ क्यों, अभी भी तुम्हें शक है? तो देखो, यहाँ पर अगर तुम चाहो ना, तो ये एक दो गोलियां और पकड़ो और उसको चेक करो कि देखो। उसके साथ में वह कुछ गोलियां और बनाता है एनर्जी से और उन्हें उसकी तरफ भेज देता है। उसके साथ में वह उससे कहता है, भरोसा करो, एक बार इसको ट्राई करके देखो, तुम्हारे ऊपर ये जरूर काम करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आनंद था वह थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या वो वास्तव में उसको ले ले, क्या उसको वास्तव में नहीं ले। लेकिन अब कुछ पत्थर मन के ऊपर रखने के बाद में, क्योंकि अब उसको यहाँ पर सफलता हासिल कर ली थी, तो उसकी वजह से वह जल्दी से अपनी सभी इक्विपमेंट्स को ऑन कर देता है और उस गोली को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। हालांकि वह यहाँ पर कोई गोली वोली नहीं थी, केवल उसके अंदर एनर्जी भरी हुई थी। इसके साथ में वह उसके कुछ छिद्रों के अंदर से अंदर घुस जाती है।
लेकिन जैसे वो ऐसा करता है उसके साथ में उसकी बॉडी यहाँ पर थोड़ी साइन करती है। ये क्या हो रहा है? ये तो वास्तव में बहुत ज्यादा शुद्ध एनर्जी है। आखिरकार तुम्हारे पास में ये कहाँ से आ गई? तुमने इस लेवल की शुद्ध एनर्जी को कहाँ से बना लिया? अब आपको मेरे ऊपर विश्वास हुआ? यहाँ पर इंद्रसेन ने जल्दी से आनंद से कहा। हाँ थोड़ा थोड़ा। क्या थोड़ा थोड़ा? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ। उसके बाद में वो उससे कहता है, सुनो अभी मेरे को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मैं आपसे बाद में बात करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर को भी यहाँ पर बचाना है, यानी ग्रैंड स्टूडेंट को। इसी वजह से आप थोड़ी देर मेरा वेट करिए। उसके बाद में यहाँ पर दोनों शांत थे ना, वैसे यहाँ पर जो विपिन था वापस उसी तरफ देखने लगता है और यहाँ पर टेलीपैथी का जो मैसेज उनके सामने हो रहा था वो वहीं पर ही बंद हो जाता है।